कोरोना के बढ़ते कहर ने लगाया झारखंड में आंशिक लॉकडाउन। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार की बैठक में यह निर्णय लिया कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सरकार का यह आदेश पूरे राज्य में 8 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। सभी भाइयों एवं बहनों, ये मेरे दुकानदार भाई ध्यान देंगे, आप सबों से धुरवा पुलिस अपील कर रही है कि कोई आज हमारे पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण महामारी, जिसे हम और आप कोरोना के नाम से जानते हैं, आज पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए हम और आप सबको ही मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। अनावश्यक अपने घर से बाहर ना निकले, दुकान पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाए। कोई भी व्यक्ति आपके दुकान में सामान लेने आते हैं तो उन्हें भी मास्क लगाने के लिए बोलिए तथा उनसे दूरी बना करके रखें। तो आइए देखते हैं कि नए गाइडलाइंस पर किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है और एहतियातन के तौर पर और शासन प्रशासन पूरी इस विषय पर नजर रखी हुई है और इस विषय को लेकर के हम लोगों ने चर्चाएं की और जो हालात हैं उस हालात में कुछ निर्देश हमने दिए हैं। अभी बहुत कम निर्देश के साथ कुछ पाबंदियों की निर्देश दिए गए हैं जो विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से आपके समक्ष रख दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं। और सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करें, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। लगभग 5,000 अतिरिक्त हॉस्पिटल में
बेडों की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जा चुका है। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह होगा कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है और उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है तो अपने ही घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में जगह ऑक्यूपाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पूरा विवरणी सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करा लें और कहीं होम आइसोलेशन में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आपको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। जो गंभीर स्थिति पर है वही अस्पताल में एडमिट हो ताकि ज्यादा जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। विस्तृत हर समय इस स्थिति पर नजर रखी गई है। हम लोग भी लगातार इसकी खबर ले रहे हैं लेकिन फिलहाल चिंता का विषय जरूर है। इस वजह से सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, बेवजह जमावड़ा ना करें, बेवजह भीड़ इकट्ठा ना हो, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे स्थिति में सरकार कड़ा निर्णय भी ले सकती है। धन्यवाद। सर, स्कूल कॉलेज को लेकर जो लिया फैसला और वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से झारखंड को उतना वैक्सीन नहीं मिल रहा है जितनी जरूरत है, उसमें क्या अपडेट है जनता के लिए? देखिए, लड़ने के लिए ये समय नहीं है, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है और इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के साथ पदाधिकारी लगातार संपर्क में हैं और आज भी स्वास्थ्य मंत्री की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इस विषय पर हम भी पत्र केंद्र सरकार को लिखेंगे। मैं दिव्या रानी जीएन भारत की ओर से आप सभी से अपील करती हूँ कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का सख्ती से पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। घर से बाहर ना निकले, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और सभी दुकानदार भाई अपना मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपना सामान लेन देन के लिए एक दूसरे से भी दूरी रखें, भीड़ भाड़ ना लगाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।